हेलो दोस्तों नमस्कार। तो आज आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ, यूनिक बिजनेस आइडिया, बिल्कुल हटके, बिल्कुल अलग। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मशीन एक काम बने। तो दोस्तों जिस मशीन की मैं बात करने वाला हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मशीन है एक तरीके के प्रोडक्ट ने कम से कम 4 प्रोडक्ट तैयार करती है। और सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम क्या आती है, रॉ मटेरियल की। तो दोस्तों रॉ मटेरियल आपके पास में रखा हुआ है, अनुभव इतना ही काफी है। कैसे करनी है वीडियो, आप लोगों के साथ रह रहे कि हम भी सीख गए कैसे करेंगे। तो व्यूअर्स में इनका नाम बताने की जरूरत नहीं है और इनकी कंपनी का नाम जरूरत नहीं, जो पर हमारे जो नए व्यूअर्स है उनके लिए जानना जरूरी है। जो हमारे नए व्यूअर्स है अपना नाम और कंपनी का नाम और किस चीज में डील करते हैं थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। जी जी जी, मैं सारे दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम परशुराम देवांगन है, हमारी कंपनी श्री इंटरप्राइजेस में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी कंपनी बहुत सारी मशीनें बनाती है, जिसमें से फूड प्रोसेसिंग मशीनरी हो गई, इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गए, और हम नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने का कोशिश करते रहते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम कम से कम लागत में कोई किसी को कैसा कोई बिजनेस दे सके जो कि बहुत ही कम लागत में करके अपने लिए एक अच्छी अर्निंग कर सके। तो ये और हमारी कंपनी जो है भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। और जैसे कि आप लोग पहले भी हमारा वीडियो देखे होंगे, जो पुराने व्यूअर्स होंगे, तो हम काफी सारे मशीनों में डील करते हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है और बहुत ही अच्छे बिजनेस के बारे में आज आपको पता चलने वाला है। सर एक क्वेश्चन, सर एक सॉरी आपकी बात करो, एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी। कई बार सुना कि आप कौन सी चक्की का आटा खाते, पर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ आप कौन सा पानी पीते जो ऐसा दिमाग लाते हैं, जो हर बार कुछ ना पूछते रहते हैं, कहाँ से दिमाग लाते हैं, थोड़ा ये बताइए। सर सिर्फ प्रयास रहता है और आप लोगों का साथ है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और हमारा प्रयास रहता है कि हम कुछ अच्छा कर सके। सोचते रहते हैं कि दिमाग लगाते रहते हैं कि किसी चीज को जो महंगा है, जो बिजनेस 5 लाख 7 लाख 10 लाख में शुरू होता है, वो बिजनेस को हम 1 लाख 50 हजार या 25 हजार जितना कम से कम हो सके, ठीक है, वो ऑटोमेटिक की जगह थोड़ा सेमी ऑटोमेटिक हो जाती है, मैनुअल हो जाती है, लेकिन कोई कम पूंजी में भी कोई स्टार्ट तो कर पाता है कम से कम। तो दोस्तों कितनी अच्छी बात है, आप कमेंट करते हो सर हमारे पास ना तो 5 लाख रुपए, ना 2 लाख, ना 3 लाख रुपए, हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो कम है लेकिन हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। तो आज का बिजनेस कुछ ऐसा ही होने वाला है, मुझे क्या कहना चाहिए। सर आज की वीडियो में एक और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं और हर स्टेट के अंदर देखा गया है सर लाखों में नहीं करोड़ों की तादाद में गाड़ियां हैं, करोड़ों की तादाद में गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के लिए उनको ठंडा करने के लिए, दिमाग को ठंडा करने के लिए वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो दिमाग को भी ठंडा करना है और अपने गाड़ी के इंजन को भी ठंडा करना है, उस ठंडे बिजनेस को करने वाले हैं सर के साथ। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने खाली अपने दिमाग को ठंडा करना है, इंजन को ठंडा करना, लेकिन अपने बिजनेस को गर्म रखना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते करते जानकारी लेते हैं और थोड़ा डेमो दिखाते हैं। सर क्या क्या होता है थोड़ा, बिल्कुल मैं शुरू स्टार्टिंग से आप सबको दिखा देना चाहता हूँ जी। जैसे कि देख सकते हैं, ये जैसे हमने वीडियो में आपको बताया कि आज एक ही इन्वेस्टमेंट में, एक ही सेटअप में आप किस तरीके से 4 तरीके का बिजनेस कर सकते हैं। पहला बिजनेस आप देख रहे हैं आरओ प्लांट का, ठीक है, ये आप सबको पता है कि पानी, पीने का पानी जो है, आज आरओ पानी की डिमांड हर जगह, आज ऐसा कोई ऑफिस, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई स्कूल कॉलेजेस, ऐसा कोई भी जगह नहीं जहां पर आज लोग नॉर्मल पानी, हर आदमी की नीड है और हर जगह नीड है, हर जगह आरओ का वाटर चाहिए। तो जैसे ही आप देख रहे हैं ये इसके साथ सेटअप में एक छोटा प्लांट है, 250 लीटर पर आवर का प्लांट है। अगर कस्टमर को कुछ कस्टमाइजेशन कराना है, जिनको पानी का भी बिजनेस कोर तरीके से करना है, वो हमसे इसको बड़ा प्लांट ले सकते हैं। दूसरा इसमें जैसे कि अगर हम इसमें एल्कलाइन वाटर अगर हम बेचना चाहते हैं, तो इस आरओ प्लांट से हम एल्कलाइन का भी सेटअप लगा देंगे, जिससे आप आरओ के साथ साथ एल्कलाइन वाटर का भी बिजनेस कर सकते हैं। ये हो गया आपके लिए 2 बिजनेस। तीसरा बिजनेस मैं बताना चाहूंगा, ये है हमारे पास जो प्लांट, ये है डीएम प्लांट, बैटरी वाटर, जिसको बोलते हैं हम डीमिनरलाइज्ड वाटर का। ये डीमिनरलाइज्ड पानी बनाने के लिए हमको सबसे पहले आरओ पानी का जरूरत होता है। तो आरओ वाटर जो हम यहाँ पर कोई भी एक टैंक लगा के 250 लीटर 500 लीटर जिस भी कैपेसिटी का टैंक लगा के हम आरओ वाटर को यहाँ पर स्टोर करेंगे, उस आरओ वाटर को हम इस प्लांट में देंगे। इस प्लांट में हम आज के तारीख में जो सबसे बेस्ट तरीके का मीडिया है, जो एकदम लेटेस्ट मीडिया है, जिसको हम सुपर चार्ज रेजिन बोलते हैं। पुराने जमाने में 2 मीडिया डालना पड़ता था, उसकी जगह हमने 1 मीडिया पे काम कर रहे हैं जो सुपर चार्ज रेजिन होता है। उस सुपर चार्ज रेजिन से जब ये आरओ वाटर को जब हम इसमें से प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ से जो आउटपुट में जो हमको पानी मिलेगी, वो पानी को हम डीएम पानी, मतलब डीमिनरलाइज्ड वाटर हो जाएगा, जो बैटरी पानी का बिजनेस आप कर सकते हो, जो कि हर गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों, छोटी गाड़ियों में जिसका यूज होता है, और भी कई इंडस्ट्रियल यूज भी रहता है। सर एक क्वेश्चन और भी करना चाहता हूँ, जैसे मार्केट में जो ये वाला पानी कितने का मिलता है, हम इसमें कितने का तैयार कर पाएंगे। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो बैटरी वाटर है, बैटरी वाटर का जो आपको लागत आने वाली है, बैटरी वाटर की लागत आएगी, जैसे बैटरी वाटर का ज्यादा लागत तो नहीं होता, इसमें मेन लागत होता है आपका बॉटल्स का,
जैसे हम पानी पीते हैं उसमें पानी में पानी का कॉस्ट नहीं होता है, पानी में पैकेजिंग का कॉस्ट होता है, मतलब उसके बॉटल का, उसके कैप का, उसके स्टिकर का। जस्ट उसी तरीके से इसमें भी है, आपको वही बॉटल यूज होना है जो हम पानी में यूज करते हैं, वही उसके कैप यूज होना है, उसी तरीके का आपको अपने ब्रांडिंग का स्टिकर लगाना है। हाँ, पानी में आपको काफी सारे सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है पैकेजिंग में, बट इसमें आपको सर्टिफिकेशन नॉर्मल है। सर, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन क्या होने वाला है सर? जी, इसके अंदर क्या होगा सर, ये जो हम रेडी करेंगे ये मैक्सिमम 4.5 रुपए का हमको रेडी होने वाला है, मैक्स टू मैक्स। बहुत बढ़िया, पर लीटर का जो रेडी होने वाला है वो 4 से 4.5 रुपए का रेट, क्योंकि 3 रुपए 20 पैसे 30 रुपए में बॉटल मिलेगा, एक कैप मिलेगा 35 पैसे का, और 35-40 पैसे का स्टीकर आना है। तो ये चार बहुत ही मैक्सिमम पकड़ते तो 4.5 रुपए का रेडी होता है, जो कि इसका MRP 25 रुपए का होता है और मार्केट में मिनिमम 20 रुपए में सेल आउट होता है। तो मतलब आप तो होलसेलर रहेंगे, तो आप अगर 4.5 रुपए की चीज रेडी करके अगर आप 10 रुपए में भी बेचते हैं, 9 में भी बेचते हैं, तो आपको डबल का प्रॉफिट होने वाला है। और जो सामने आपका रीसेलर है वो इसको 20 रुपए में भी बेचते हैं, तो उनको भी डबल से ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। दूसरा, इसमें कुछ बड़े गैलन्स भी चलते हैं 5 लीटर के, तो 5 लीटर के आप बेच सकते हो, क्योंकि पानी का कॉस्ट तो काफी कम होता है इसमें। 5 लीटर गैलन का कॉस्ट आप निकाल के उस तरीके से वो मार्केट में 40-50 रुपए का सेल होता है। अब हम जो ये बैटरी का पानी तैयार किए, इस बैटरी के पानी को हम इसमें डालेंगे, इसका हम आपको पूरा प्रोसेस अभी दिखाते हैं, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। ये बैटरी का पानी हम इसमें डालेंगे और इस बैटरी के पानी के साथ हम एक प्रीमिक्स देंगे, वो प्रीमिक्स आपको हमारे पास ही मिलेगा। उस प्रीमिक्स को ये मोटर ऑन करके हमको उसमें मिक्सिंग करना है, जिससे ये जो आपका चौथा प्रोडक्ट है कूलेंट का, वो कूलेंट का प्रोडक्ट आपको इससे प्रोसेस करके तैयार हो जाएगा, जिसको फिर हम ये इस टैंक में हम फिल करेंगे। ये हम आपको भी प्रोसेस में दिखाएंगे, इसको प्रोसेस करके इस टैंक में फिल करने के बाद फिर हम इस मशीन से यहाँ पर फिलिंग करेंगे बॉटल्स में, और उसके बाद फाइनल प्रोसेस हमारे इस तरीके से, ये जो मशीन देख रहे हैं आप, इस मशीन से फिर हम इसके ऑयल को जो रहेगा, कैप को रहेगा, वो हम इसको सीलिंग करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है ये आपको रेडी मिलने वाला है, जिस प्रोजेक्ट में आप 4 तरीके का बिजनेस कर सकते हो और एक ही इन्वेस्टमेंट में, एक ही लागत में, एक ही सेटअप में 4 बिजनेस करके आप काफी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो की पूरी प्रोसेस, पूरी इसकी ऑपरेटिंग देखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी मिल सके, किसी प्रकार की आपकी जानकारी आपसे मिस ना हो। सर, इस पूरे सेटअप के लिए पावर सप्लाई कितनी चाहिए और स्पेस कितना चाहिए इसके लिए? ये पूरे सेटअप को लगाने के लिए नॉर्मल सिंगल फेस में ऑपरेटेड है, किसी तरीके का आपको 3 फेस लेने की जरूरत नहीं है। और आपको जैसे मैंने दिखाया है कि सेटअप, ये सेटअप में भी मैक्सिमम आपको 400 स्क्वायर फीट भी, अगर 400 स्क्वायर फीट का भी जगह है आपके पास, तो आप काफी इजीली तरीके से इसको सेटअप कर सकते हैं। और अगर आपको माल ज्यादा स्टॉक करना है तो आपको 500-600 स्क्वायर फीट कर लीजिए, बाकी 400 स्क्वायर फीट में भी आपका काफी अच्छा, आपका पूरा प्लांट इजी ऑपरेटिंग हो जाएगा। तो सर, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए पूरे सेटअप के लिए? ये पूरे सेटअप का जो कॉस्ट है, कंप्लीट कॉस्ट है इसका 2,75,000 रुपए का। पर सर, जैसे कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ पर मेरे को पूरा सेटअप नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ इसका सिर्फ बैटरी का पानी ही बनाऊं, तो ऐसे भी पॉसिबल है क्या? ऐसा भी हो सकता है, जैसे कई हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पास ऑलरेडी पहले से RO का प्लांट है जी। तो हमसे आगे की चीजें ले सकते हैं, बैटरी की पानी ले सकते हैं, कूलेंट का बाकी का सेटअप ले सकते हैं, या फिर किन्हीं के पास RO भी वाटर भी है और बैटरी का DM वाटर भी है, तो हमसे आगे का कूलेंट का सेटअप ले सकते हैं। ये सारी चीज, ये हर चीज संभव है। ये जो हमारा नंबर आप देख रहे हैं, जो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, इसमें हमारे सेल्स की टीम, जो हमारे सेल्स कोऑर्डिनेटर है, उनसे आपको प्रॉपर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए आप इसमें कॉल कर लीजिए और जान सकते हैं, आप पता कीजिए कि कैसे आप पूरा सेटअप ले सकते हैं या कैसे आप लेस सेटअप भी ले सकते हैं। मतलब आपको अगर सिर्फ DM चाहिए या आपको आगे का कूलेंट का सेटअप चाहिए या आपको RO प्लांट बड़ा चाहिए, किसी भी प्रकार का कस्टमाइजेशन चाहिए, तो आप हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, ये जो देख रहे हैं आप, हमारा नंबर चल रहा है, इसमें आप संपर्क कीजिए और पूरी जानकारी लीजिए। तो सर, क्या किसी ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है? अगर इस सेटअप को पूरा हम बाय करते हैं तो क्या किसी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में बताइए। ये पूरे सेटअप को अगर आप बाय करते हैं तो इसकी जो भी प्रकार की ट्रेनिंग होती है, इसके लिए हमारा टेक्नीशियन आपके लोकेशन पे आएगा, मशीन पहुंचने के बाद हमारा इंजीनियर आके वहां पर प्रॉपर मशीन को पूरी तरह इंस्टॉलेशन करके हमारे इंजीनियर द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग में आपको सारा चीज प्रोसेस करके दिखाया जाएगा और आपसे करवाया जाएगा। तो आपको इसमें किसी प्रकार का चिंता की जरूरत नहीं है, ये सारा हमारे द्वारा आपको हर चीज सिखाया जाएगा। तो सर, जैसे कि इसके अंदर जो भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कूलेंट जो इंजन के अंदर डलता है, तो अपना ब्रांड के नाम से हम चाहते हैं इसका लोगो बनाया जाए, तो क्या वो भी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल संभव है, आप चाहे तो अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप नॉर्मल अपना लोगो बनाइए, अपना डिजाइन बनाइए, जो भी आपका उसको सब करा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके
नाम को कोई कॉपी ना कर सके, तो उसके लिए जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है उसके अंतर्गत आप एक इसको टीएम करा सकते हैं, ट्रेडमार्क ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि कल को अगर आपका प्रोडक्ट चल निकला तो आपके सेम नाम से कोई भी उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता, जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जिस तरीके से करती है। रॉ मटेरियल क्या चाहिए सर इसके अंदर? इसके लिए सर रॉ मटेरियल जो है वो एक प्रीमिक्स लगता है, वो प्रीमिक्स हमारे द्वारा दिया जाएगा, हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहता है। तो सर जैसे कि हमने पूरा सेटअप भी तैयार कर लिया, इसके अंदर जो हमने अपना ब्रांड के नाम से भी इसको बना भी लिया सर, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हम इसको सेल कैसे करें थोड़ा जी? सर देखिए, सेल करने का मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि जो बड़ी ब्रांड है उसके जो प्राइजेस हैं वो काफी हाई है, जैसे कि आप देख रहे हैं 220 रुपए का प्रिंट रेट है, 240 रुपए का प्रिंट रेट, मतलब इस रेट में ये सब प्रोडक्ट बिकते हैं। अब आप समझिए, आपको जो प्रोडक्ट रेडी हो रहा है वो आपके जगह पे आपको 25 रुपए का रेडी हो रहा है। अब आप किसी दुकानदार को आप जाके अगर इस प्रोडक्ट को 60 रुपए में भी बेचते हैं, 50 रुपए में भी बेचते हैं, तो आपकी प्रॉफिट तो डबल हो गई। चलिए, आपकी प्रॉफिट के लिए तो कोई दुकानदार काम करेगा नहीं। अब यहाँ पर बात आती है कि दुकानदार के प्रॉफिट के लिए, आपके इस बिजनेस मॉडल में कस्टमर का मनी मेकिंग मॉडल छुपा हुआ है। वो ऐसे छुपा हुआ है कि कस्टमर जो आपसे 50 रुपया, 55 रुपया या 60 रुपया का लेता है और अगर वो उसको 120, 130 में भी बेचता है, तो सोचिए एक 220, 240 रुपये का प्राइसिंग और 120, 130 रुपये का प्राइसिंग, भाई लेने वाले को तो कस्टमर का भी फायदा है, ये मतलब पूरी प्रोसेस में कैसा है, मैन्युफैक्चरर को भी फायदा है, रीसेलर को भी फायदा है, एंड यूजर को भी फायदा है। सर इसको करने के लिए सर कोई लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है? सर इसको करने के लिए एक नॉर्मल आपको जो शॉप एस्टेब्लिशमेंट होता है या जो आम एक तरीके का उद्योग आधार बोलते हैं, वो ऑनलाइन आप उद्योग आधार रजिस्टर्ड कर सकते हैं, एक आप अपने लिए ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं जो भी हमारे जीएसटी नंबर होता है, और नॉर्मल आपको जिस तरीके से अपना ब्रांडिंग करना है वो मतलब नॉर्मल सर्टिफिकेशन है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, किसी प्रकार का स्पेशल इसके लिए बड़ा कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को कौन कौन और कहां कहां कर सकते हैं सर? इस बिजनेस को सर जिनके पास इतनी लागत है और जो जो इनके पास जगह है वो हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है और काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो क्या इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास आना जरूरी है? ऑनलाइन भी आपसे ऑर्डर करके मंगवा सकता है? वैसे तो हम सारे कस्टमर को बोलते हैं कि आप एक बार आइए यहाँ पर। आने से क्या होगा सर कि आप यहाँ पर देखेंगे, फिजिकली देखेंगे, मशीन को देखेंगे, उसके अलावा हमारे सेटअप को देखेंगे और मशीन के बारे में, मशीन के अलावा और हमारे पास काफी सारी मशीन है, आपको सारी तरीके से जानकारी मिल पाएगी। तो हमारा तो कहना है कि आप यहाँ पर आइए, आपको आने से ज्यादा अच्छा है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ आने में, अगर किसी प्रकार का इनकन्वीनियंस है, तो वो उस तरीके पे हमको ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट करने में कस्टमर को थोड़ा सा डर रहता है कि यार मैं जो पैसे दूंगा वो गलत ना हो जाए, मेरे साथ कोई हो ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, तो इसके लिए हमारी कंपनी जो है ऑलरेडी इंडिया मार्ट जैसे पोर्टल में रजिस्टर्ड है, या आप हमारे कॉलर्स को, टेलीकॉलर्स को फोन करेंगे, वो वीडियो कॉल में आपको सारा प्रोसेस दिखा देंगे, तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं और हम यहाँ से मशीन का सेटअप आपको भेज देंगे, जब मशीन का सेटअप पहुंचने के बाद हमारा टेक्नीशियन आके इंस्टॉलेशन कर देगा। अच्छा महेंद्र जी, एक और सारे व्यूवर्स को एक और गुड न्यूज दे देना चाहता हूँ मैं जी, जी, जी। कि ये जैसे मैंने सेटअप का प्राइसिंग बताया 2,75,000 रुपए का जी, जी, जी। तो ये शुरू के मतलब स्टार्टिंग के 50 कस्टमर के लिए इसमें हमने एक ऑफर दिया हुआ है, आप आए हैं तो हम एक ऑफर दे रहे हैं कस्टमर को कि ये मात्र ये जो आपको प्रोडक्ट है पूरा सेटअप 2,40,000 रुपए का हम देंगे, इसमें 35,000 रुपए का हम आपको डिस्काउंट देते हैं पहले 50 कस्टमर को, जो पहले 50 कस्टमर रहेंगे उनको, और वो पहले 50 कस्टमर के लिए उनको सिर्फ हमको एक बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा ओनली 25,000 का। और दोस्तों ये भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से आपको इनको बताना पड़ेगा कि कौन से चैनल की हमने वीडियो दी, आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए दोस्तों आपको हम दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से रेडी होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आरओ प्लांट, आरओ से हमने प्रोसेस करके फिर ये डीएम प्लांट से हम प्रोसेस करके इस तरीके से ये पानी हमने, ये बैटरी का पानी है ठीक है। अब ये हम इसको दिखाएंगे, इसको टंकी में फिल करके इस तरीके से ये हमको जो बैटरी का पानी है वो पहले हम इसको फिल करेंगे। ये कौन सा पानी डाला, नॉर्मल पानी? ये बैटरी का पानी, डीएम वाटर। डीएम वाटर जी जी जी। ये पानी हमने इसमें इंसर्ट डाल दिया है, फिल कर दिया, चाहे तो आप इसको मोटर के थ्रू भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अगला प्रोसेस करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये टैंक, इस टैंक में ये मोटर लगी हुई है ठीक है। अब अगला प्रोसेस ये रहेगा कि हम इस मोटर को स्टार्ट करेंगे, ये मोटर को स्टार्ट करना रहेगा हमको, ये इसमें हमको बैटरी पानी डालने के बाद।
और फ्रेंड ये मोटर चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास ये प्रीमिक्स है। अंदर क्या वर्क हो रहा है सर? ये अभी मोटर कल ये खाली मोटर ऑन किया है। अब ये जो हमारे पास ये जो प्रीमिक्स है, मेरे पास देख सकते हैं आप, ये प्रीमिक्स को हमको इसमें ऐड करना रहेगा। ये क्या है, मोटर चलते चलते हम इसको धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। कितने पानी में कितना डालना है सर इसका? सर ये सारा रेशो हम बता देंगे। जैसे अभी हमने 40 लीटर पानी डाला है, तो इसमें हम ये 40 ग्राम डाल रहे हैं। इसको हमको धीरे धीरे करके डालना है, जिससे क्या होगा, ये प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग हो सके। इसमें पहले से थोड़ा सा बना हुआ था, ये हम आपको वीडियो में डेमो के लिए इसमें, और हम आपको फील करके, जैसे हमने भी 40 लीटर का इसमें बैटरी पानी डाला है, तो ये 40 लीटर का हम इसमें और पूरे डिश में रेडी करेंगे। अब उसके बाद 1 से 1.25 घंटे हमको इसको मोटर को ऑन रखना है। 1 से 1.25 घंटे तक? जी, 1 से 1.25 घंटे ये मोटर कंटिन्यू चलेगा, और जो हमने डाला है इसमें जो भी हमारा बैटरी का पानी और प्रीमिक्स, इसको पूरी तरह से मिक्स करके ये फिर हमारा प्रोडक्ट जो है कूलेंट को रेडी कर देगा। सर प्रीमिक्स का पूरा नाम क्या है? ये प्रीमिक्स ही बोलते हैं सर? ये इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं सर, ये इसमें लैब में इसको रेडी कराया गया है। ओके, तो इसका जो अगर कोई कस्टमर जब हमसे मशीन परचेज कर लेंगे, तब हम उनको डाटा शीट भी देंगे, इसका जो पूरा डाटा शीट जो होता है। सर इसके लिए कोई सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए होता करने के लिए? नहीं सर, इसके लिए कोई ऐसा सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बताया सब आपको, जो भी रजिस्ट्रेशन ये सब कराना है। बाकी आपको ये जो हम दे रहे हैं, ये हमारे द्वारा पूरा डाटा शीट इसका दिया जाएगा। ठीक है, जो भी हम प्रीमिक्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया आपको कि 1 से 1.25 घंटे या 1.5 घंटे तक हमको मैक्सिमम प्रोसेस करना रहता है, तो अभी हम प्रोसेस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं जो रेडी प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से आता है। अभी ये हम बंद कर देंगे ये मोटर को, तो देखिए बंद हो चुका है। अब जो हमारा रेडी प्रोडक्ट है, वो हम यहाँ से इसको निकालेंगे, डिस्पैच करेंगे। देख सकते हैं प्रोडक्ट हमारा रेडी हो चुका है। सर हमें समझ में नहीं आता था ये क्या चीज़ें कैसे बनता है, लेकिन आज पता लगा के ऐसे बनता है ये। जी बिल्कुल, ये काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है सर ये। जी सर, इसकी लाइफ कितनी होती है? कोई एक्सपायरी डेट भी होती है इसकी? नहीं नहीं सर, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, ये तो लॉन्ग लाइफ रहता है सर। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कि कम लागत के अंदर, जो कि हम भी दिल्ली से ही हैं सर, तो 250 रुपये का ही अनुमम वहाँ पे खूब बिकता है। जी, और जी, अगर और भी कुछ ब्रेस्ट आप लेना चाहें तो 400-400 रुपये का एक पैकेट बिकता है। जी, तो जी, आज आपने सर इस बिजनेस से पर्दा उठाया और मात्र 25 रुपये के अंदर आपने प्रोडक्ट को लेकर आया। सर थैंक यू आपका इस बिजनेस आइडिया के लिए। जी जी, जहाँ पे हमारे सभी व्यूअर्स आपको बहुत सारा आपको प्यार देने वाले हैं और बहुत कॉल करने वाले हैं। जरूर जरूर सर जरूर, हम सारे आपके व्यूअर्स को हम चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़ के काफी अच्छा अर्निंग कर सके, और हमारा प्रयास यही रहता है सर। तो ये हम दिखाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप इसका। आइए सर, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो हमने प्रोडक्ट रेडी किया, इसको हम दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये कहते हैं हमको इसमें फील करना है। ये देख सकते हैं व्हाइट टैंक है, ये व्हाइट टैंक में हम इसको फील करेंगे। अब ये क्या है कि हम इसको मैनुअल डाल रहे हैं, तो ये हमको मैनुअल ही डालना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि इसकी जो क्वालिटी है, अगर हम इसको किसी पंप के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, तो इसका जो लुब्रिकेशन है, इसमें फर्क आ जाता है, इसलिए हम इसको किसी पंप के थ्रू उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसको हमको नॉर्मल मैनुअल डालना पड़ेगा, या फिर ऑटो फ्लो में हमको ऑटो फ्लो में इसको फिल करना पड़ेगा। सर ये पूरा हमने फिल आराम से कर दिया मैनुअली? जी जी जी, ये हमने फिल कर दिया मैनुअली। अब हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। जैसे इस टैंक में हमने इसको फिल किया है, अब ये देख सकते हैं ये जो मशीन आपको दिख रही है, ये मशीन है हमारी फिलिंग मशीन। इसमें से जैसे हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी में हमको जो चीज़ों को फिल करना है, वो हम आपको फिल करके दिखा सकते हैं। जैसे हमने हमारा प्रोडक्ट को टैंक में डाल दिया है, अब हमको खाली इसको कुछ नहीं करना है। ये देखिए फिलिंग मशीन हमारा, ये हमको एक बटन पुश करना है। ये देखिए एक क्लिक में क्या है, हम इसको 2 बॉटल एक साथ फिल कर सकते हैं। और अगर हमको अगर प्रोडक्शन का भी कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम सिंगल भी अलग अलग भी हम इसको फिल कर सकते हैं। दोनों तरीके से मशीन ऑपरेट हो जाएगी। अब ये फिल होने के बाद हमको इसको सीलिंग करके दिखाते हैं। इसमें से जैसे हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी में हमको जो चीज़ों को फिल करना है, वो हम आपको फिल करके दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं हम इसको फिलिंग करने के बाद, इसको इस तरीके का जो हमारे पास फॉइल है, एल्युमिनियम फॉइल, उससे हमको इसके सीलिंग मशीन के थ्रू सील कर देना है।
ये देख सकते हैं पूरी तरह ये सील हो चुका है। उसके बाद इसको हम ये कैपिंग करेंगे। एक हैंड कैपर इसके साथ दिया जाता है, अभी वो अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी, इसलिए हम आपको ये नॉर्मल प्रोसेस दिखा दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट पूरी तरह रेडी हो चुका है और मार्केट में सेल के लिए तैयार है। तैयार है। इसका मैं कॉस्टिंग बता देना चाहता हूँ। ये देख रहे हैं आप, जो इसमें बॉटल जो देख रहे हैं, बॉटल की कॉस्ट 14 रुपये, बहुत से बहुत 15 रुपये की कॉस्टिंग है। दोनों स्टिकर का 1-1 रुपये का कॉस्ट है। ये हो गया आपका 17 रुपया, 15 रुपये भी पकड़ते हैं तो 1 रुपया 20 पैसा का कैप आता है। ये हो गया 18 रुपये 20 पैसा, हम 18 रुपये 50 पैसा पकड़ लेते हैं। इसमें जो हमने प्रीमिक्स लगाया है वो 5.5 रुपये का है, तो 18 रुपये 50 पैसा और 5.5 रुपये हो गया आपका 24 रुपया। और इसमें हम लेबर कॉस्ट पकड़ लेते हैं एक बॉटल के पीछे मैक्सिमम 50 पैसे का। अदर एक्सपेंसेस जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का ले लिया भी 50 पैसा, हालांकि इसमें बहुत ही नॉर्मल कंजप्शन है, सिंगल फेस में यूज़ है ये, तो भी ये प्रोडक्ट आपको टोटल 25 रुपये में आपके पास रेडी होके आपको पड़ती है। अब आप इसको आगे 50 रुपया, 60 रुपया, 65 रुपया, 70 रुपया, जैसा आपको मार्केट मिलता है उस प्रकार से आप इसको सेल आउट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग इससे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपका बिजनेस आइडिया? अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहते तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसको बिजनेस आइडियाज मिल जाए और आपको लाखों सारी दुआएं मिले। तो मिलते हैं किसी नए बिजनेस आइडियाज में, किसी नई वीडियो में। ओके फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग।